अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रात को रिया जी कहाँ जा रही है? रिया जी, रिया जी, रिया जी, ओ क्या हुआ? क्या हुआ पू? रिया, रिया जी, रुको, रुको, शांत, शांत, शांत हो जाओ, रिलैक्स, रिलैक्स, पू, रिया, गिर जाएंगे राजीव बाबू। रिया जी, रिया जी, पू शांत हो जाओ, आवाज बिल्कुल मत, बिल्कुल आवाज नहीं, जरा सी भी खटपट। रिया जल्दी से कुछ करना होगा रिया को बचाने के लिए। आंखों में तेरी है कैसा जादू, बैठा हूं मैं तो ना मैं जिया, रातों में सुबह तू है, पहली सी दुआ तू है, मैं तेरा हर दर्द मेरा कर दूं, कोई नहीं एक तेरे सिवा, तेरे नाम ये जान कर दूं, तेरे हवाले सब कुछ हो, मैं तुझको खुदा कर दूं, कोई नहीं एक तेरे सिवा, तेरे नाम ये जान कर दूं, तेरे हवाले सब कुछ हो, मैं तुझको खुदा कर दूं। रिया, रिया होश में आओ, रिया, रिया, बेहोश काहे हो गई? रिया, अरे क्या हुआ? रिया, रिया होश में आओ ना, रिया, रिया प्लीज होश में आओ, रिया, अरे क्या हुआ? कोई बताएगा हमें? ये यहाँ छत पे कैसे आई? क्या हुआ इसको? और ये बेहोश क्यों हो गई? कुहू? वो इस तरफ चल के आ रही थी, हम देखे तो हम उनको बहुत आवाज लगाए, वो रुकी नहीं, चलती जा रही थी, हमको लगा कहीं छत से गिर ना जाए, इसलिए हम बहुत जोर से चीखे, तो भोले बाबा का कृपा था कि राजी बाबू समय से आ गए। राजी बाबू काहे नहीं उठ रही है, बेहोश काहे? रिया जी उठिए ना, पहले ये तो पता चले कि ये बेहोश क्यों हुई। रिया, रिया, इस रोज होली पे भी बेहोश हुई थी ये। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कई सालों की यातना की वजह से इनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट पहुंची है। ये स्लीप वॉकिंग यानी कि नींद में चलना, उसी का नतीजा है। इस वक्त बहुत गहरे सदमे से गुजर रही है। नींद में चल रही थी।
अभी कहा ना डॉक्टर साहब ने, गहरे सदमे के कारण ये। देखिए आप सभी लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको खुद नहीं मालूम कि ये क्या कर रही हैं या इनके साथ क्या हो रहा है। इन्हें प्यार और संवेदना की जरूरत है, तभी इनके मन के जख्म भर पाएंगे। आइए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, लेकिन दवा से ज्यादा प्यार इनको ठीक करेगा। लाइए, हम ले आते हैं। जी। हाँ तो ये कू है ना, प्यार ही प्यार भरा है हमारे भीतर, खूब प्यार से भर देंगे इनको। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब। कहूँ मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं, राजीव का प्यार चाहिए। तुम अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। अच्छा ड्रामा है नींद पे चलने का, अब इसकी आड़ में जितनी चाहे उतनी मनमानी कर लो। रिया को ऐसी हालत में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। राजीव तुम इसको अपने कमरे में शिफ्ट करवा ले। क्या कहा आपने? इसका अकेले रहना ठीक नहीं है, तो हमारे अरे हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम रिया जी के साथ उनके कमरे में रह लेंगे, उनके साथ सो भी जाएंगे, उनका पूरा ख्याल रखेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे उनका। इस लड़की के आने से इस परिवार की सुरक्षा पर भी संकट आ गया है। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो आप बेकार ही रिया को लेकर इतना परेशान हो रहे। अच्छा एक बात बताइए, आपको सुंदर सुंदर पोते पोतियों का मुंह देखना है कि नहीं? मतलब? अरे रे, इसका भी मतलब बताना पड़ेगा। इस गुहिया से तो आपको एक चूहिया भी नहीं मिलनी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर राजीव और रिया की शादी हो गई होती तो अभी तक दो चार सुंदर सुंदर बच्चे आपके पीठ पर झूल रहे होते। खैर जो हुआ सो हुआ, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अब रिया आ गई है ना, तो आपके अरमान भी पूरे होंगे। रिया अतीत है, राजीव से उसका ब्याह गुजरा हुआ कल, ये जो आई है यहाँ ये विराज की ब्याहता है। इस मसले से छिड़खानी करना याने पूरे चंदेल परिवार की बर्बादी है। बात को समझा करो। अब देखिए तू से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।